द लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं इस वक्त क्या मैसेज है यूनिवर्स का आप लोगों के लिए। चेक करते हैं, अपने क्वेश्चन मन में रखें और रीडिंग्स पर फोकस करें। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। चेक करते हैं यूनिवर्स आपको इस वक्त आपकी सिचुएशन से रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको अभी इस वक्त आपकी सिचुएशन से रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यूनिवर्स आपको अभी इस वक्त, वाओ व्हाट अ कार्ड, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, क्या बात है, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक हमारे पास है द चैरिट। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो मैसेज यूनिवर्स आपको इस वक्त देना चाहते हैं। वेरी पॉजिटिव कार्ड्स आई मस्ट से। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आज का दिन इट इज़ फुल ऑफ यू नो गुड मेमोरीज और आई वुड से गुड टाइमिंग्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। हो सकता है कि कहीं पार्टी हो सकती है या कहीं किसी का गेट टुगेदर हो सकता है, कहीं कहीं किसी फ्रेंड के साथ अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है। वट आई कैन सी थ्रू द कार्ड एनर्जीज दैट इज़ एक अच्छा सेलिब्रेशन का टाइम दिखाई दे रहा है और आप काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों की मैरिज प्लानिंग चल रही है, या तो मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोजल देखा जा रहा है, मैरिज से रिलेटेड कोई ऑप्शन देखा जा रहा है, मैरिज से रिलेटेड आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई कैन जेन्युइनली सी कि कहीं ना कहीं से एक अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है और कहीं ना कहीं से अच्छा मैरिज प्रपोजल आपके लिए आने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोग इस वजह से भी डिप्रेस्ड हैं कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर लग रहा है कि कुछ लोग थोड़ा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, अपसेट दिख रहे हैं, अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत आपने कुछ समय पहले करी है या पास्ट में करी है, उसका एक अच्छा रिजल्ट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई कैन गिव यू अ पॉजिटिव होप दैट समवेयर चीज़ें धीरे धीरे करके आपके फेवर में आ रही हैं। जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे हो, जिन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक अच्छा टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों के साथ एक अच्छा टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार या जिसका बहुत समय से वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए, कार्ड्स को देखते हुए, या तो कोई बहुत पुराने ओल्ड फ्रेंड के साथ मुलाकात हो सकती है, एक रीयूनियन हो सकता है कोई किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ जिनके साथ आप बहुत समय से एक मीटिंग चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, बॉन्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। मतलब आई कैन सी कि आप काफ़ी काफ़ी अच्छी हैप्पी एनर्जीज़ में हैं, काफ़ी अच्छी वाइब्रेशंस में हैं, जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। सो आई कैन डेफिनेटली गिव यू अ पॉजिटिव होप कि अब चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में आ रही हैं। सो येस, यू आर गोइंग टू स्पेंड गुड टाइम टुगेदर, किसी से मुलाकात होगी। बस थोड़ा अपने आप को लव दो, थोड़ा अपने आप को प्यार दो, क्योंकि हो सकता है पास्ट कुछ चीज़ों की वजह से डिप्रेस फील कर रहे हो या अनहैप्पी फील कर रहे हो, या ऐसा हो रहा है कि कुछ चाह रहे हो, कुछ डिज़ायर कर रहे हो, बट जैसी चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उस चीज़ को लेकर डिप्रेस दिख रहे हैं। बट ओवरऑल डिवाइन इज़ वेरी हैप्पी एंड समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी जीत, अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगली रीडिंग्स की तरफ, जहां हम चेक करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, डजंट मैटर, बट चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। तीन बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, तीन बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, तीन बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। तीन बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। ओह माय गॉड, एट ऑफ कप्स, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में।
कोई वापस आ रहा है, कोई आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है। एस ऑफ कप्स, क्या बात है, ओ माय गॉड, टेन ऑफ कप्स आज दो बार आया है गाइस। शादी की बातचीत होने वाली है, आई कैन जेन्युइनली से शादी की बात होने वाली है या शादी रिलेटेड कोई डिसीजन बनाने वाले हो। माय गॉड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्लेम कर लीजिए रीडिंग्स को, क्योंकि आज एक नहीं चार कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है। और ये और कुछ नहीं, जो आप इतने समय से डिज़ायर कर रहे हैं उस तरफ आप मुझे प्रोसीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला इंडिकेशन जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, कोई वापस आ रहा है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। वो आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, अगर आप किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन रियूनियन का वेट कर रहे हैं वो पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, जो जिसका आप या तो इंतज़ार कर रहे हो, या तो रिलेशनशिप टूट गया था इतने समय से, नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, आप भी दूर हो गए थे, पार्टनर भी दूर हो गए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है। ये एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, ये वो पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या ये वो पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, बट किसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे, इन्होंने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट कर लिया था, इन्होंने आपके साथ बातचीत बंद कर दी थी, इन्होंने आपके साथ कम्युनिकेशन ज़ीरो कर दिया था, और आप भी बिल्कुल इनसे सेपरेट हो गए थे, ये पर्सन भी आपसे सेपरेट हो गए थे। सबसे पहला इंडिकेशन आज कार्ड्स में ये आया है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। जिस पर्सन से रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। या तो ऐसा हो रहा है कि ये सारे सेलिब्रेशंस के जो डेज चल रहे हैं, फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे आप लोग पहले रहा करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे को स्पेस देते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, ऐसा क्यों लग रहा है ये पर्सन उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ये सारी उलझनों को ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। ये पर्सन फ्यूचर से रिलेटेड कोई निर्णय लेने वाले हैं। वो मैरिज मुझे बहुत हाईलाइट दिखाई दे रही है, मैरिज कमिटमेंट मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट कहीं ना कहीं से किसी न किसी वे से कोई बहुत अच्छा प्रपोजल, कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने लोग किसी चेंज का वेट कर रहे हैं, किसी पॉजिटिव चेंज डिज़ायर कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वही चेंज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप प्लान करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। इफ़ यू आर समवन जो सिंगल है और ये रीडिंग देख रहा है, मुझे लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ सकता है, आपके आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। आज बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं माय डियर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे वो सारी उलझनें ख़त्म होने वाली हैं जो आ रही थी। हो सकता है कि कोई आपके रिलेशनशिप में कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, आप लोग को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने समय से ये स्टक थे, इतने समय से डिसीजन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब बहुत हो गया है, बहुत अकेले रह लिए हैं, बहुत हो गया है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अब बात करना है, अब कनेक्ट करना है, अब कॉन्टैक्ट करना है, अब चीज़ों को सही करना है। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इतने समय से था, ये जो सेपरेशन इतने समय से चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे केसेस में ये सेपरेशन अब एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग होने वाली है। वो कमिटमेंट हो सकती है, वो मैरिज हो सकती है, क्योंकि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपके प्रति आपके लिए एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आई कैन डेफिनेटली से कि जितने जो टाइम था चैलेंजेस का, ये जो टाइम था हर्डल्स का, वो ख़त्म हो रहा है। पर्सन वापस आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हर्डल्स भी डालने की कोशिश कर रहे थे और आपके पार्टनर उनकी सुन रहे थे, या पार्टनर उनकी वजह से रिलेशनशिप में स्टैंड नहीं ले रहे थे, अब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन स्टैंड लेने वाले हैं। इफ़ यू आर समवन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहा है, फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना शुरू कर दीजिए। इफ़ यू आर समवन जो अपने रिलेशनशिप में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करना चाह रहा है, फिर से वो कनेक्शन, फिर से वो बॉन्डिंग्स दोनों के बीच में बनना स्टार्ट हो जाए, उसकी रेमेडी भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। बट आई कैन जेन्युइनली से दैट दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक पॉजिटिव डिसीजन बनाना चाह रहे हैं। भली चीज़ें धीरे धीरे हो रही है, भली रिलेशनशिप में बदलाव धीरे धीरे देखने को मिलने वाला है, बट बहुत सारे लोग के रिलेशनशिप में अब वो टाइम आ गया है कि पर्सन
नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, और ये नेक्स्ट एक्शन या तो कमिटमेंट से रिलेटेड होगा या मैरिज से रिलेटेड होगा, क्योंकि आज हमने जब यूनिवर्स के गाइडेंस के कार्ड्स निकाले उसमें भी मैरिज का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, रीयूनियन का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन फॉर यू. सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ. रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें. राधे राधे.